पिंजौर कालका के व्यापारियों के धरने के तीसरे दिन शहर की विभिन्न संस्थाओं और पार्टी नेताओं ने खुलकर समर्थन किया। आरयूबी के विरोध में पिंजौर कालका के व्यापारियों और दुकानदारों के धरने के तीसरे दिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या के राष्ट्रीय सचिव बलवान ठाकुर, डीजे एसोसिएशन कालका और पिंजौर के महासचिव अमित शर्मा, शशि और कन्हैया, इसके अलावा फोटोग्राफर एसोसिएशन पंचकूला के आशीष वधवा, ललित शर्मा और राकेश कुमार ने अपना खुलकर समर्थन दिया है। पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर आरयूबी कुल 11 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार होना है, लेकिन विभाग 27 करोड़ रुपयों के हिसाब से बनने वाले आरयूबी पर सहमति जता रहे हैं, जबकि इस आरयूबी से दुकानदारों और व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और लोग अलग से परेशान होंगे। पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से रेलवे फाटक पर आरयूबी को लेकर व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के सख्त रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है और सोमवार को धरने प्रदर्शन का तीसरा दिन है। यहाँ पर एसोसिएशन के प्रधान संत राम शर्मा, महासचिव आरडी गौतम, अरुण वर्मा, डॉक्टर व्योम अग्रवाल, योगेंद्र शर्मा, अंकुर शर्मा, सिमरप्रीत सिंह, शैरी मित्ता, शेरचंद चावला, पूर्व पार्षद रविंदर अरोड़ा, अन्य गणमान्य लोगों के अलावा व्यापारियों और दुकानदारों ने भाग लिया। सरकार को भी माड़ा नहीं कहता, जिस भी अफसर की ये गलती है वो उसको सुधारने का काम करे। हम वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हैं, जहां हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। अब त्योहारों का टाइम है, अब त्योहार हैं, हम प्रदर्शनों पर बैठे हैं। पहले ही लॉकडाउन की वजह से हम बहुत ज़्यादा घाटे में, सारी जितनी भी हमारे वेलफेयर एसोसिएशन वाले हैं सभी दुकानदार हैं, पहले से हमारे को तो खाने के लाले पड़े हैं। ऊपर से ये इन्होंने उनको जो चेंज करके लंबे वाला ब्रिज बनाना शुरू कर दिया, इससे सारी मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा और यहाँ जाम लगेगा। भाई साहब ने जैसे बताया तो इसको बदलना चाहिए, जो भाई साहब उन्होंने यहाँ पे बना के नक्शा दिया था उसी पे काम करना चाहिए। सरकार है चाहे सरकार के कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारियों पर भी सरकार का ही कंट्रोल होता है। तो मैं तो किसी भी सरकार को माड़ा नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी सरकारों के बंदे यहाँ बैठे हैं, पर अपने अपने जिसने भी जिस जिस के जो नेता हैं उन पर दबाव बनाए और हमारी ये समस्या हल हो जाए किसी तरह भी। हमारा मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से जहाँ भी आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं वहाँ आपके लिए खड़ा मिलूँगा।